नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम गुरुजी के इस नए सेशन में आपको स्वागत है। जैसा आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम DNK एकेडमी से एग्ज़ाम गुरुजी हो चुका है। तो स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, GURROJI। यदि आप हमारे वेबसाइट लिंक पर जाते हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा, www.examguruji.com। तो आज के सेशन में हम स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स शो Part 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्पोर्ट्स में मैंने एक्टिविटी हुई है उसका ये Part 1 है, और आपके लाइक और कमेंट्स पे भी यहाँ पर हम उसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। तो मैं अमित सिंह बठारिया आज के स्पोर्ट्स करेंट अफेयर शो की शुरुआत करता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे टेनिस की। टेनिस की बात की जाए तो टेनिस विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएँ होती हैं। तो टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएँ होती हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई में फ्रांस की फ्रेंच ओपन, और उसके 2 हफ्तों के बाद लंदन की विंबलडन ओपन, और सितंबर में अमेरिका में होने वाली स्पर्धा को अमेरिकन ओपन, जिसे US ओपन भी कहा जाता है। विंबलडन की बात की जाए तो विंबलडन एक घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन या क्ले कोर्ट, क्ले कोर्ट किंग जनरली राफेल नडाल को कहा जाता है। तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या मिट्टी के आंगन पर खेला जाता है, और US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित कोर्ट पर खेला जाता है। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता जो हैं पुरुष वर्ग में रोजर फेडरर हैं, जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। उपविजेता राफेल नडाल हैं, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। महिला एकल की बात की जाए, मींस वुमेन सिंगल, इसकी विजेता सेरेना विलियम है, ये अमेरिकन की खिलाड़ी हैं, और उनकी बहन उपविजेता रही वीनस विलियम, ये भी अमेरिका की खिलाड़ी हैं। मिश्रित युगल मींस मिक्स डबल देखा जाए तो इसमें विजेता रही एबिगेल स्पियर और जुआन सेबेस्टियन, और उपविजेता रही सानिया मिर्जा और इवान डोडिंग। फ्रेंच ओपन 2017 की बात की जाए तो इसमें मेन सिंगल के विजेता राफेल नडाल रहे और उपविजेता स्टेन वावरिंका रही। महिला एकल में येलेना ओस्तापेंका और उपविजेता सिमोना हालेप, जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। मिश्रित युगल में देखा जाए मिक्स्ड डबल में विजेता रोहन बोपन्ना, जो इंडियन खिलाड़ी हैं, और गैब्रिएला वावोस्की हैं। उपविजेता रॉबर्ट फारा और लीना ब्रोएनफील्ड हैं। टेनिस में विंबलडन ओपन की बात की जाए तो इसमें पुरुष एकल में रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड में डिस्कस कर चुके हैं, उपविजेता मारिन सिलिच हैं, जो क्रोशिया की हैं। महिला एकल वुमेन सिंगल में गरवाइन मुरुगुरुचा, जो विजेता रहीं, इन्होंने जीता है, और ये जो हैं स्पेन की खिलाड़ी हैं। उपविजेता वीनस विलियम, जो अमेरिकन खिलाड़ी हैं। मिक्स डबल में देखा जाए मिश्रित युगल में तो सानिया मिर्जा और इवान डोडिंग, तो सानिया मिर्जा भारत की हैं और इवान डोडिंग क्रोशिया की खिलाड़ी हैं। और उपविजेता रहे एबिगेल स्पियर्स, जो USA के खिलाड़ी हैं, और जुआन सेबेस्टियन, ये कोलंबिया के खिलाड़ी हैं। बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट में IPL 2017 में इसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इसके विजेता थे मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान है रोहित शर्मा। उपविजेता पर रही पुणे सुपर जॉइंट, और कप्तान इसके थे स्टीवन स्मिथ। ऑरेंज कैप की बात की जाए तो ऑरेंज कैप मिली थी डेविड वार्नर को, इन्होंने 641 रन बनाए थे, और ये पुणे सुपर जॉइंट्स के कैप्टन भी हैं। पर्पल कैप की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार को 26 विकेट लेने पर इन्हें पर्पल कैप दी गई, ये पुणे सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ अवार्ड वासित थम्पी को दिया गया, जो गुजरात लायंस की तरफ से खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ अवार्ड जो मिला है वो बेन स्टोक, ये सबसे महंगे खिलाड़ी भी IPL के बिके थे, सबसे महंगे खिलाड़ी जो पुणे सुपर जॉइंट्स ने खरीदे थे। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड जो है 2017 IPL का मिला है बेन स्टोक्स, पुणे सुपर जॉइंट के। और IPL 2017 का फाइनल मैच राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ था, और विजेता ध्यान रखिएगा, विजेता थी मुंबई इंडियंस और उपविजेता पुणे सुपर जॉइंट। बात की जाए रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी में गुजरात ने इस बार विजय हासिल की है, जिसके कप्तान पार्थिव पटेल हैं, और उपविजेता रही मुंबई। तो उपविजेता मुंबई है, इसके कप्तान जो है वो आदित्य तारे हैं। और उपविजेता मुंबई की बात की जाए तो इसका 41वीं बार ये रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है, लेकिन इस बार हार गई है मुंबई टीम, और गुजरात इस बार की विजेता टीम थी रणजी ट्रॉफी 2017 की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात की जाए तो इसमें विजेता पाकिस्तान था और उपविजेता भारत था। भारत जो उपविजेता रहा, और पाकिस्तान ने ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीत ली। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात की जाए तो इसमें गोल्डन बेल्ट अवार्ड शिखर धवन को मिला था, 338 रन बनाए थे इन्होंने, तो इसलिए इन्हें गोल्डन बेल्ट का अवार्ड दिया गया था। गोल्डन बॉल जो है हसन अली, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 13 विकेट लेने पर इन्हें गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया था। ICC महिला विश्व कप 2017 की बात की जाए तो इंग्लैंड ने यह सीरीज जीती थी, विजेता इंग्लैंड था और उपविजेता भारत था।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो भारत ने श्रीलंका को 3-0 से इस टेस्ट में हराया था, तो क्लीन स्वीप यहां पे भारत ने श्रीलंका का कर दिया था, 3-0 से भारत ने जीत दर्ज की थी। बात की जाए बैडमिंटन की तो बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट करते हैं। इसके विजेता के श्रीकांत थे और उपविजेता चेन लॉन्ग चीन जो चाइना के खिलाड़ी हैं। इंडोनेशिया ओपन में देखा जाए तो विजेता के श्रीकांत अगेन, देखिए इन्होंने बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और इंडोनेशिया ओपन भी के श्रीकांत ने जीता है। इसमें उपविजेता रहे काजू मसाकाई जो जापान के खिलाड़ी हैं। और थाईलैंड ग्रांड पिक्स की बात की जाए तो इसमें विजेता साई प्रणीत का नाम आता जो इंडिया के हैं और उपविजेता जोनाथन क्रिस्टी जो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। और विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसमें स्वर्ण पदक मिला है नोजोमी ओकुहारा जो जापान के खिलाड़ी हैं। रजत पदक पीवी सिंधु जो सटलर, जिन्हें सटलर क्वीन भी बोला जाता है, पीवी सिंधु जो भारतीय खिलाड़ी हैं। कांस्य पदक मिला साइना नेहवाल को जो भारतीय खिलाड़ी हैं। और बुल्गारिया ओपन बैडमिंटन में स्वर्ण पदक मिला लक्ष्य सेन भारत के और रजत पदक मिला है जोनीमिर दुर्कीजनक जो क्रोशिया के खिलाड़ी हैं। स्क्वेस चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसमें उपविजेता जो थे वो थे सौरभ गोपाल और उपविजेता महेश मंगांकर हैं। महिला विजेता में जोशन्ना चिनप्पा का नाम आता है और उपविजेता लक्ष्या राघवेंद्र। विक्टोरिया ओपन स्क्वेस चैंपियनशिप में हरविंदर पाल संधु इंडिया के खिलाड़ी हैं और उपविजेता रहे रेक सेड्रिक जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। तो फुटबॉल पर आते हैं, फुटबॉल की बात की जाए तो फीफा अंडर 20 विश्व कप 2017 इसका विजेता ब्रिटेन रहा और उपविजेता वेनेजुएला रहा। इस प्रतियोगिता आयोजन 20 मई से 11 जून 2017 तक हुआ था और ये जो स्थान हुआ था वो दक्षिण कोरिया में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। हीरो फेडरेशन कप 2017 जो फुटबॉल से संबंधित है, इसके विजेता बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने इसको हीरो फेडरेशन कप 2017 जीता। इसमें उपविजेता रहा मोहन बागान कोलकाता। तो ध्यान दीजिएगा, हीरो फेडरेशन कप 2017 विजेता बेंगलुरु FC और मोहन बगान FC जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब में से जाना जाता है और इसे मोहन बगान EC भी बोला जाता है। मोहन बगान एथलेट क्लब या मोहन बगान फुटबॉल क्लब दोनों सेम ही है। तो हीरो फेडरेशन कप 2017 बेंगलुरु FC विजेता, उपविजेता रहा मोहन बगान। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का यह 38वां संस्करण था जिसे बेंगलुरु FC ने जीत लिया। एथलेटिक्स में ध्यान जाते हैं तो एथलेटिक्स में 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 पर नया डालते हैं जो 6 जुलाई से 9 जुलाई 2017 के मध्य 22 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और कलिंगा स्टेडियम में आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में 45 देशों के 800 एथलीटों ने भाग लिया था। इसका शुभंकर की बात की जाए तो ओलिव था और जो ओलिव रिडले कछुए और प्रतिनिधित्व करने वाला ओली था, तो इसका शुभंकर अपर शॉर्ट में देखें तो ओली इसका शुभंकर था। भारत के लिए पहला पदक मनप्रीत सिंह ने शॉर्ट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और मनप्रीत ने देखा जाए तो 18.28 मीटर तक गोला फेंका था और इसी के साथ मनप्रीत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी इस प्रतियोगिता के थ्रू कर लिया है। भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल गोविंदन लक्ष्मण ने 5000 मीटर रेस में प्रथम स्थान करके जीता जो पिक्चर में शो हो रहा है। तो भारत को दूसरा गोल्ड मेडल गोविंदन जो 5000 मीटर रेस में फर्स्ट प्राइज इन्होंने हासिल किया, उन्होंने गोल्ड प्राइज दिलाया और लक्ष्मण ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई इस प्रतियोगिता के थ्रू कर लिया है। तो भारत ने 29 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। भारत ने 12 स्वर्ण 5 रजत और 12 कांस्य पदक, टोटल 29 पदक इस स्पर्धा में जीते। खेलकूद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तत्पर फैक्ट पर भी नज़र डालते हैं क्योंकि खेलकूद कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उस पर नज़र डालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेनिस क्रिकेट से अपन स्पर्धाएं पढ़ चुके हैं बट इसमें कुछ इवेंट छूट जाते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। रियल मैड्रिड ने 4थी बार यूरोपियन फुटबॉल कप जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रेटिंग 97 स्थान पर है। वेनी रूनी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वेन रूनी इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए अपने कैरियर के 119 मैच में 53 गोल दागे थे, मीन्स उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने 119 मैच में 53 गोल दागे हैं। UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है जबकि बार्सिलोना की विंगरलिंग मार्टेस को UEFA महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो UEFA अवार्ड जो दिया गया है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और महिला में देखी जाए तो बार्सिलोना की विंगरलिंग मार्टेस को UEFA का महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। स्पेन के राफेल नडाल एक बार फिर टेनिस पेशेवर संघ ATP
रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गए हैं। तो राफेल नडाल फर्स्ट पोजीशन पर हैं, सेकंड पोजीशन में देखा जाए तो एंडी मरे और थर्ड स्थान पर रोजर फेडरर हैं। अगले फैक्ट में नजर डाली जाए तो रोबो सुपर सीरीज हॉलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय हॉकी टीम ने विश्व चैंपियन हॉलैंड को 4-0 से हरा दिया। और एक चीज ध्यान दीजिए कि आजकल जो अगर ट्रिकी वे में आप सोचना चाहें कि स्पोर्ट्स के कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो जिस चैंपियनशिप में भारत हारती है या भारत जीतता है वो जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखा करिए। तो रोबो सुपर सीरीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीय हॉकी टीम ने हॉलैंड को 4-0 से हराया है। और ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक मोहम्मद फराज को मिला है और जो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, रजत पदक मिला है पॉल चेलिमा जो यूएसए के खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक मुख्तार इदरीश जो इथोपिया के खिलाड़ी हैं, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी इथोपिया, अगर आप करंट अफेयर्स के बिहाफ पर देखें तो भारत के पहले राष्ट्र भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पहली विदेश यात्रा पर इथोपिया और जिबूती गए हुए हैं, 4 दिन की यात्रा पर गए थे। तो कांस्य पदक जीता मुख्तार इदरीश इथोपिया। पाल पोगवा को यूरोप लीग सीजन का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। पाल पोगवा फ्रांस की नेशनल फुटबॉल टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब की ओर से खेलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा किस टीम से खेलते हैं, वो फ्रांस के खिलाड़ी हैं और उन्हें यूरोप लीग सीजन का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 4th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें सुप्रिया जाटव, अर्पणा चौहान, अजय यादव, अंकिता शर्मा, वंशिका तोमर और पलाश समाधिया, इन चारों ने एक एक स्वर्ण पदक जीते। तो मध्य प्रदेश के जो एग्जाम आ रहे हैं जैसे पटवारी और एसआई के बिहार पर देखें तो मध्य प्रदेश का ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 4th साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। और सुप्रिया यादव, अपर्णा चौहान, अजय यादव, अंकिता शर्मा, वंशिका तोमर और पलाश समाधिया ने एक एक स्वर्ण पदक जीता है। मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं 8 में से टोटल। तो स्वर्ण पदक अधिकतर स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता उनके नाम इंपोर्टेंट रहते हैं। मध्य प्रदेश का एक और फैक्ट आ रहा है, मध्य प्रदेश दूसरी ऑल इंडिया ओपन केनो स्प्रिंट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन रहा। और यह प्रतियोगिता भोपाल के बड़े तालाब में हुई और इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने 21 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो इवेंट हो रहा है ऑल इंडिया ओपन केनो स्प्रिंट प्रतियोगिता, इसमें भारत ने 21 स्वर्ण, 9 रजत, 4 कांस्य पदक जीते और ये भोपाल में आयोजित की गई थी। भोपाल का एक और फैक्ट निकल के आ रहा है कि भोपाल के अफकाफ यूसुफ का चयन हॉकी इंडिया के बेंगलुरु में संपन्न राष्ट्रीय कैंप के लिए हो चुका है। और मध्य प्रदेश की खेल नीति की बात की जाए तो 2005 में खेल नीति बनी थी जो वर्तमान में भी प्रभावी है, जबकि प्रथम खेल नीति वर्ष 1989 में पूरे इंडिया के लिए बनाई गई थी बट मध्य प्रदेश में लागू की गई थी 2005 में बनी थी और वर्तमान में भी प्रभावी है। आई थिंक आपको ये पूरा सेशन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। कुछ फैक्ट अभी भी छूटे हुए हैं, ग्रैंड पिक रेस और जो शंघाई मास्टर्स वगैरह जो चैंपियनशिप हुई है तो उसे हम दूसरे सेशन में से कंप्लीट करेंगे, बट ये डिपेंड करता है आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स और लाइक पर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।